हेलो गाइस, मेरा नाम है रियाज खान। आप देख रहे हैं हाउस ऑफ एनाबॉलिक्स एंड वी आर पैक विद न्यू वीडियो। आज हम कर रहे हैं पांच रीज़न जिसकी वजह से लोगों की स्टीरोइड साइकिल फेल होती है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला रीज़न है दे स्टार्ट टू अर्ली, यानी कि उनका भी सही टाइम आया ही नहीं है स्टीरोइड यूज़ करने का और उन्होंने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया है। जिम में गए हैं, हफ्ता दो हफ्ता हुआ है, पहले से मालूम है उन लोगों को स्टीरोइड के बारे में, या पहले कई बार जिम कर चुके हैं, अचानक से उनको बूस्ट आया है कि अब हमें जिम करना है। जिम में पहुँचे, फटाफट से स्टीरोइड लिया और शुरू कर दिया। होता है कि उनकी बॉडी रिजल्ट ही नहीं देती है, क्योंकि ना तो उनका कुछ भी उनका प्रॉपर नहीं होता है उस वक्त। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपको जब तक प्रॉपर एक्सपीरियंस ना हो जाए एक्सरसाइज का, तब तक आप ना जाएं इसकी तरफ। अब उसके बाद आते हैं यहाँ पे दूसरी कैटेगरी के लोग, जो कई समय से वर्कआउट कर रहे होते हैं, यानी कि 5-6 महीने हो चुके हैं, साल भर हो चुका है उन्हें वर्कआउट करते हुए, उसके बाद भी उनको रिजल्ट नहीं आता है। उसका रीज़न ये होता है कि उनका वर्कआउट प्रॉपर नहीं होता है, उनको सही से मसल माइंड कनेक्शन बनाना नहीं आता है, प्रॉपर मसल का ब्रेक डाउन वो नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी जो है डेवलपमेंट नहीं कर पाती है। तो ये एक और बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से उनका स्टीरॉयड साइकिल फेल हो जाता है। तीसरा जो रीज़न है वो ये है कि लोगों का वर्कआउट तो जगह पे है मगर उनकी डाइट प्रॉपर नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि मील किस तरह से लेने हैं, किस तरह के मील्स लेने हैं। बहुत से लोग जो हैं जो स्टीरॉयड सजेस्ट कर देते हैं, वो बताते हैं कि आपको बस भर के खाना है, दबा के खाना है, ये करना है, वो करना है, तो चक्कर में उनका बॉडी डेवलप ही नहीं हो पाती है। क्योंकि स्टीरॉयड ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा जादू कर देगा आपके शरीर में जाके, उसको भी प्रॉपर डाइट की ज़रूरत पड़ती है। आपके ऑर्गन्स जब तक प्रॉपर खाना रिसीव नहीं करेंगे, टेस्टोस्टेरोन जो अब बाहर से जो ब्लेंड्स डाल रहे हैं अलग अलग तरह के, उनका वो यूज़ नहीं कर पाएंगे सही से। तो इस वजह से जो है डाइट का प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। आप जब तक आपकी डाइट ऑन द स्केल नहीं है, आप इससे कुछ नहीं निकाल सकते, स्टीरॉयड फेल हो जाएंगे, आपकी बॉडी बिल्कुल भी बिल्ड नहीं। उसके बाद जो चौथा रीज़न आता है वो आता है स्लीपिंग। स्लीपिंग डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा होता है लोगों को, नींद उनकी होती ही नहीं है, रात रात भर जाग रहे हैं, 12-1 बज गया, 2 बज गया, लोग सोते ही नहीं हैं। बॉडी का जो रेस्ट टाइम है उसको प्रॉपर नहीं मिल रहा है, आप मसल को प्रॉपर रेस्ट नहीं दे रहे हैं और आप साथ में स्टीरॉयड भी यूज़ कर रहे हैं। अगर आप प्रॉपर रेस्ट नहीं देंगे, प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे, तो बॉडी कभी भी डेवलप नहीं हो सकती। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। बॉडी जो है जागते वक्त नहीं, सोते वक्त बनती है। बॉडी जिम के अंदर नहीं, जिम के बाहर बनती है। तो आपको जो है जो आपकी बॉडी बनानी है वो बिस्तर पे सोकर बनानी है, ना कि जिम में सिर्फ आप अपनी मसल को फटीक कर सकते हैं, बाकी का काम आपको सोने से होगा। तो प्रॉपर स्लीपिंग बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो है सबसे बड़ा जो एक और रीज़न है वो है स्ट्रेस। लोगों की लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, सभी की लाइफ में होता है, किसी न किसी तरह से स्ट्रेस सभी की लाइफ में चल रहा होता है, मगर लोगों की जो साइकिल है वो फेल हो जाती है उस स्ट्रेस के चलते। ये हार्मोन्स हैं जो आप बाहर से अंदर डाल रहे हो, टेस्टोस्टेरोन डाल रहे हो अंदर, साइपोनेट डाल रहे हो, या फिर ट्रेन डाल रहे हो, या कुछ भी डाल रहे हो, ये हार्मोन्स हैं। हार्मोन्स तभी सही काम करेंगे जब आप स्ट्रेस फ्री होंगे, आप खुश होंगे। लोगों का क्या है कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है लाइफ के अंदर, पैसे को लेकर स्ट्रेस, गर्लफ्रेंड को लेकर स्ट्रेस, इस किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस, वाइफ को लेकर स्ट्रेस, तो उसे होता ये है कि किसी चीज़ को लेकर, तो उससे होता ही है कि एक और बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि स्टीरॉयड साइकिल फेल हो जाता है लोगों का। तो बिल्कुल आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, खुश रहना है, तभी ये स्टीरॉयड काम करेंगे। और स्टीरॉयड लेने से पहले एक और चीज़ जो एक और रीज़न है, स्टीरॉयड लेने से पहले लोग पढ़ते हैं, स्टीरॉयड लेने के बाद लोग और ज़्यादा पढ़ते हैं। जब वो पढ़ना इतना ज़्यादा पढ़ना शुरू कर देते हैं तो स्टीरॉयड काम करना ही बंद कर देता है, क्योंकि आप लोग इतना जान जाते हो चीज़ों के बारे में कि हम लोग जो है बाहर से वो ले रहे हैं, अब हमें हार्ट अटैक आने वाला है, अभी आने वाला है। अगर आपने लेने की सोच ली है तो दोबारा आप YouTube पे, Google पे कहीं मत आओ, अगर आप इससे बेस्ट निकालना चाहते हो। जो भी आपको लेनी है नॉलेज, इसको लेने से पहले लो, उसके बाद लेने आओगे ना तो ना तो आपको रिजल्ट्स आएंगे, आपका साइकिल भी फेल हो जाएगा। बहुत सारे रीजन्स होते हैं इसकी वजह से चीज़ें होती हैं। आपको आना कब है, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको नहीं आना है, तो आपको यूट्यूब या गूगल या किसी भी डॉक्टर के पास जब जाना है, जैसे ही आपको कोई सिम्टम्स दिखाई देते हैं, मैंने टेस्टोस्टेरोन का पूरा सीरीज़ दिया है, उसमें मैंने हर वीडियो में बताया है कि सिम्टम्स कैसे पहचाने जाते हैं हर एक ब्लेंड के, प्रोपिनेट, एनन्थेट, सिपनेट, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, वहाँ पर हमने सब कुछ दिया हुआ है। तो यह था गाइस वीडियो, 5 रीज़न क्यों स्टीरॉयड साइकिल फेल होता है। थैंक यू वेरी मच।